Good morning students, today is 2nd May and this is maths lecture for class 12 students. So in today's lecture we will start discussion from question number 1 exercise 1.3 NCERT. देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन समझा था, हाउ टू राइट g ऑफ f एंड हाउ टू राइट f ऑफ g. ओके ठीक है ना. तो लास्ट लेक्चर में तुमने देखा है कि g ऑफ f और f ऑफ g किस तरीके से लिखा जाता है. चलो स्टार्ट करें. फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी पर. क्या है क्वेश्चन, देखो लेट f सच दैट, यहाँ पर ये डोमेन सेट लिखा हुआ है 1, 3, 4 टू कोडोमेन सेट 1, 2, 5 एंड सिमिलरली जी इज गिवन फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन सेट बी गिवन बाय एफ इक्वल्स टू दिस फंक्शन इज गिवन एंड जी इक्वल्स टू दिस फंक्शन इज गिवन, राइट डाउन जी ऑफ एफ. तो तुम्हें जी ऑफ एफ लिखना है. तो देखो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये जो फंक्शन है एफ डोमेन टू कोडोमेन, तो आप यहाँ पर एक ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए यह बना लो f, ठीक है. ये हमने बना लिया f एंड इसमें डोमेन सेट क्या है, डोमेन सेट के अंदर एंट्री है 1, 3, 4. तो डोमेन सेट के अंदर एंट्री दिखा दिया 1, 3, 4. कोडोमेन सेट पर एंट्री क्या है 1, 2, 5. तो कोडोमेन सेट f की कोडोमेन है 1, 2, 5, एंट्री दिखा दिया कोडोमेन सेट पर. अब फंक्शन f बन कैसे रहा है, तो 1, 2 मतलब 1 को 2 से लिंक करना है इस तरीके से. ओके देन 3, 5 तो 3 को 5 से एंड 4, 1 तो 4 को 1 से लिंक करना है. बात समझ गए, ठीक है. अब बगल में आप g बना लो, g फंक्शन. ये देखो ये हमने बना लिया g फंक्शन और g फंक्शन के लिए डोमेन सेट पर एंट्री क्या है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. तो डोमेन सेट पर एंट्री 1, 2, 5 है, 1, 2 और 5 और कोडोमेन सेट पर एंट्री क्या है 1, 3. अब फंक्शन जी कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 3 मतलब 1 का रिलेशन 3 से है 1, 3. बात समझ में आ रही है. 2, 3 एंड 5, 1 5 का रिलेशन 1 से है 5, 1 तो 5, 1 ठीक है. तो ये दो फंक्शन बन गए. हमसे पूछा है राइट डाउन जी ऑफ एफ, चलो लिखें नाउ जी ओ एफ का मतलब g ऑफ f होता है और g ऑफ f का मतलब क्या आ गया, g ऑफ f ऑफ x. इज दैट क्लियर, g ऑफ f जहाँ o लिखा है वहाँ ब्रैकेट लगाना और f का मतलब f ऑफ x, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको बोलते हैं g ऑफ f. तो g ऑफ f x, तो g ऑफ f x के लिए हम लोग यहाँ पर ये इनपुट है, तो g ऑफ f x के लिए x इनपुट है और ये f ऑफ x के लिए भी इनपुट है, मतलब ये x क्या है तो f का डोमेन. तो f के डोमेन पर आप चले जाएं 1, 3, 4 वन बाई वन हम लोग रखेंगे. g ऑफ f ऑफ सबसे पहले आप रखेंगे 1, ओके तो g ऑफ f1, तो f1 क्या है, f ऑफ 1 इज 2 तो g ऑफ 2. बात समझ में आ रही है, 1 f ऑफ 1 ये fx होता है और ये x है, x fx तो x क्या है 1, तो fx क्या है 2, f ऑफ 1 2 है. बात समझ में आ गई, तो g ऑफ 2. अब आप g ऑफ 2 देखो क्या है यहाँ पर, तो g ऑफ 2 2 किससे लिंक्ड है 3 से, तो g ऑफ 2 3 आ गया. समझ गए ना, चलो आप आगे लिखें g ऑफ f ऑफ 3, g ऑफ f ऑफ 3 तो f ऑफ 3 कितना है 5 है, g ऑफ 5 और g ऑफ 5 क्या आ रहा है, g ऑफ 5 1 आ रहा है. ओके फिर हम लोग लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 4 तो f ऑफ 4 कितना है 1 है, g ऑफ 1 और g ऑफ 1 कितना आ रहा है, यहाँ देखो ये x है और ये gx है तो 1 रखेंगे तो g ऑफ 1 आएगा 3. बात समझ में आ गई, तो ये हमने लिख दिया g ऑफ f. अब हमें इस पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा दिस इम्प्लाइज g ओ f इक्वल्स टू इस तरीके से लिखना है. इन नोटेशंस में वी हैव टू राइट जस्ट लाइक एफ किस तरीके से लिखा है, जी कैसे लिखा हुआ है, इसी मैनर में हमें जी ऑफ एफ को भी लिखना है. तो आप इस तरीके से आप जी ऑफ एफ को लिख सकते हो. तो इसमें क्या है, ये डोमेन है और ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन है, रेंज है. तो जी ऑफ एफ के लिए डोमेन क्या है, ये देखो ये डोमेन है 1
थ्री फोर। तो अगर हम फंक्शन लिखना चाहें तो 1, 3 देन 3, 1 डोमेन रेंज है ना, 3, 1 फिर 4, 3। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 3 ओके देन 3, 1 इनपुट क्या है और आउटपुट क्या आया 3, 1 देन आप लिखोगे 4, 3 क्लोज कर देते हैं। बात समझ में आ गई, जी ऑफ एफ इनपुट कॉमा आउटपुट 1, 3 डोमेन कॉमा रेंज 1, 3 3, 1 एंड 4, 3 ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स इज गिवन एंड जी एक्स इज गिवन। सेकेंड पार्ट भी है यहाँ पर, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हैं। फर्स्ट पार्ट पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स ओके एंड जी एक्स इज मॉड ऑफ 5x-2a ओके। तो हमसे बोला गया है कि जी ऑफ एफ फाइंड करें, वी नीड टू फाइंड जी ऑफ एफ। तो देखो जी ऑफ एफ को एट फर्स्ट यू विल राइट जी ऑफ एफ एक्स, इज दैट क्लियर। तो जी ऑफ एफ एक्स इसका मतलब हमें ये जो फंक्शन है जी एक्स, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता तो जी ऑफ 1, तो यहाँ पर भी आप 1 रखते हैं मॉड ऑफ 5 × 1-2। अगर मैं रखता जी ऑफ 2 तो मॉड ऑफ 5 × 2-2। अगर मैं रखता जी ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्स की जगह एफ एक्स लिखो तो मॉड ऑफ 5 fx-2, वही है यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह पर एफ एक्स लिखना है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड के अंदर एक्स की जगह आप एफ एक्स लिखें 5 fx-2। बात समझ में आ रही है, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखना है अपने को, एफ एक्स लिखना है। तो जी ऑफ एफ एक्स इज मॉड ऑफ 5 fx-2 ओके। जैसे हम लोग जी ऑफ 1 लिखते हैं, जी ऑफ 2 लिखते हैं, जी ऑफ 3 लिखते हैं, वैसे जी ऑफ एफ एक्स लिखना है एक्स की जगह पर। जैसे तुम एक्स की जगह यहाँ 1 रखते हो तो यहाँ भी 1 रखते हो, तो यहाँ अगर एफ एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो, यह आ गया मॉड ऑफ 5 fx-2। अब हमें क्या करना है, मॉड अब कुछ नहीं, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। एफ एक्स क्या है, ये फंक्शन क्या है हमारा, मॉड एक्स है। तो इन जनरल ये मॉड एक्स, एफ एक्स की जगह पर मॉड ऑफ एक्स लिख देंगे 2। बस अब छोड़ दो, ये आंसर हो गया, इज दैट क्लियर। चलो एफ ऑफ जी लिखें, एफ ऑफ जी यहाँ हमें जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी दोनों ही लिखना है, तो एफ ऑफ जी लिखते हैं। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी का क्या मतलब, एफ ओ की जगह पर ब्रैकेट लगाना है और जी जी ऑफ एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, एफ ऑफ जी एक्स सेम प्रोसीजर। अब हमें एफ ऑफ जी एक्स है मतलब एफ एक्स में एक्स की जगह पर जी एक्स रखना है बोथ साइड, तो एक्स की जगह पर जी एक्स रखोगे तो तुम्हें मिलेगा एफ ऑफ जी एक्स। ये क्या बनेगा, मॉड एक्स की जगह पर क्या रखना है अपने को, जी एक्स, मॉड ऑफ जी एक्स, व्हाट वी हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स, जी एक्स। सो दिस इज मॉड ऑफ जी एक्स। नाउ मॉड जस्ट वी नीड टू डू कि राइट द वैल्यू ऑफ जी एक्स हियर, व्हाट इज जी एक्स हियर, मॉड ऑफ 5x-2। सो दिस इज योर मॉड ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब इस जी एक्स की जगह पर तुम लिख दो जी एक्स क्या है, मॉड 5x-2, तो मॉड 5x-2 और ये एक आउटर मॉड है क्वेश्चन का, ये लगा दिया, समझ गए, हमने जी एक्स की जगह सीधे सीधे मॉड 5x-2 रखा है। अब मॉड ऑफ मॉड 5x-2 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 5x-2 है ना, मॉडुलस फंक्शन, मॉड ऑफ 5x-2 द क्वांटिटी मॉड 5x-2 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो है तो उसके ऊपर मॉड लगाया तो सेम टू सेम बाहर आ जाएगा मॉड ऑफ 5x-2 ओके। चलो सेकेंड पार्ट समझें क्या है, सेकेंड पार्ट समझते हैं। सेकेंड में फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी है, एफ एक्स जी एक्स गिवेन है, सेम प्रोसीजर होगा, एक बार आप लिख के देख लो। जी ऑफ सेकेंड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स 8x³ है और जी एक्स क्या है, जी एक्स इज एक्स पर 1/3 है, जी एक्स इज एक्स पर 1/3 है। सो वी विल राइट जी ऑफ एफ फर्स्ट, जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ इज जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, फिर सेम प्रोसीजर, एक्स की जगह एफ एक्स रखेंगे तो यहाँ एक्स की जगह बोथ साइड एफ एक्स रखना है तो यू विल गेट एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स रखा है और ये एक्स पावर 1/3 है, तो जब आप एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे तो एफ एक्स पावर
वन बाई थ्री आ जाएगा, एफ एक्स पावर वन बाई थ्री आ जाएगा। ओके, नाउ एफ एक्स की जगह पर जो भी फंक्शन लिखा है एट एक्स क्यूब आप रख दें, ठीक है ना। तो एफ एक्स की जगह पर हमने लिख दिया एट एक्स क्यूब पावर वन बाई थ्री। नाउ दिस एट इज टू क्यूब इन टू एक्स क्यूब पावर वन बाई थ्री। इस पावर को आप बाहर लिख लो, ये तो बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इस तरीके से इस थ्री थ्री कैंसिल आउट, वी विल गेट टू एक्स। तो ये जो तुम्हारा जी ऑफ एफ है वो टू एक्स आ रहा है। बात समझ में आ गई, जी ऑफ एफ कितना आ रहा है हमारा, टू एक्स आ रहा है। नाउ वी विल राइट एफ ऑफ जी। अब आप एफ ऑफ जी लिखें, नाउ वी विल राइट। तो अब हम लोग देखेंगे एफ ऑफ जी कैसे लिखा जाता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ओके, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या करना है, एफ एक्स एट एक्स क्यू पर यहाँ जा करके एक्स की जगह पर हमें जी एक्स पुट करना है बोथ साइड। देखो एक्स की जगह पर जी एक्स रखना है बोथ साइड। तो एफ ऑफ जी एक्स एट और एक्स की जगह पर रखोगे जी एक्स। बहुत केयरफुली आप देखो, ये एट इंटू एक्स क्यूब है तो एक्स पर पावर थ्री है, तो एक्स की जगह जो हमने रखा है जी एक्स उस पर पावर थ्री कर देंगे, उस पर पावर थ्री कर देंगे, ठीक है ना। 8 इंटू एक्स क्यूब, तो 8 इंटू एक्स की जगह आपने जी एक्स रखा है जी एक्स पावर थ्री। अब जी एक्स की क्या वैल्यू है, तो जी एक्स की वैल्यू एक्स पावर वन बाई थ्री है, जी एक्स की वैल्यू एक्स पावर वन बाई थ्री है, ठीक है ना। 8 इंटू जी एक्स क्यूब, तो जी एक्स की जगह क्या है एक्स पावर वन बाई थ्री, यह आप रख दो एक्स पावर वन बाई थ्री क्यूब। नाउ इस पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, वन अपॉन थ्री इंटू थ्री, ये तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है बेसिक्स, सो काट लो। सो फाइनली विल गेट 8 इंटू एक्स पावर वन, दैट इज 8x। सो दिस इज वे हाउ टू राइट जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी फॉर अ गिवन फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुमने देखा कि वो बिल्कुल ही बेसिक था, हमें एरो डायग्राम के थ्रू जी ऑफ एफ लिखना था। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें दो फंक्शन अलग अलग गिवन है कुछ भी, तो वहाँ पर तुम जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी कैसे लिखते हो ये लिखना तुमने सीखा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, वो होमवर्क है, चलो अब आगे पढ़ें। अच्छा, इससे आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर हमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट है, तो पहले एक बार हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन समझ लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। देखो इन्वर्स फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना ज़रूरी है कि वी हैव फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। तो हम आगे जाकर के उसे इन्वर्स फंक्शन बताएं, तो उन्हीं फोर टाइप्स में से कुछ कोई टाइप हो सकता है, कोई एक या इन फोर में से कौन सा फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो सकता है, ये सबसे पहले हमें समझना है। बात समझ में आ रही है। तो देखो तुम्हारे पास जो अलग अलग तरीके के फंक्शन हैं आप उनको ड्रॉ करो। तो जो सबसे पहला फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये डिस्कशन हम लोग इन्वर्स फंक्शन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, इन्वर्स फंक्शन के लिए। ओके, इन्वर्स फंक्शन के लिए मान लो हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया ए टू बी, फंक्शन ए टू बी लिया, यहाँ पर कुछ एंट्रीज ले लिया हमने वन टू थ्री, यहाँ पर ले लिया ए बी सी डी, और वन को ए से, टू को बी से, थ्री को सी से कोरिलेट किया। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, अब याद करो, वन वन इंटू, ठीक है, वन वन इंटू, डिस्टिंक्ट रिलेशन बना अलग अलग और एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर वन वन इंटू। जो हमारा दूसरा फंक्शन है, सपोज ये वन टू थ्री मैंने लिया और यहाँ पर मैंने इंट्री दिखा दिया ए बी सी, तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा हम लोग ये वापस फिर से फंक्शन क्यों लिख रहे हैं, अभी हम लोग सभी फंक्शन को यहाँ पर इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे और देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन इन्वर्ट हो सकता है। तो चलो यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया मैंने कुछ वन टू थ्री ए बी सी, ठीक है ना, और इसको इससे कोरिलेट कर दिया। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, ये वन वन तो रहा नहीं, अब ये क्या है, देखो मेनी टू वन है, तो मेनी वन और कैसा है, एक्स्ट्रा एंट्री है यहाँ पर, मेनी वन इन टू है। ओके, एक और टाइप वन टू थ्री ए बी, फंक्शन ए टू बी, इसको इसे दिखा दिया, इसको इसे दिखा दिया, इसको इसे दिखा दिया, यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सभी के प्री इमेज है,
ये कौन सा फंक्शन है? मेनी वन ऑन टू है, मेनी वन ऑन टू है। अच्छा तुम इससे कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो एंट्री है वो ए बी सी डी है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए और बी है। ये सभी अलग अलग केसेज हैं। ये हमारा फर्स्ट केस है वन वन इन टू का, ठीक है। ये हमारा केस वन है, वन वन इन टू का। ये केस टू है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ कि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर सेट बी है, ये भी सेट बी है, तो इसके अंदर एंट्री ए बी सी डी है, पर इसके अंदर एंट्री ए बी सी क्यों हो गया। ये बिल्कुल अलग केस है और ये केस बिल्कुल अलग है। ये केस टू लिख दिया, हम कोई भी एंट्री लेकर के दिखा रहे हैं, ये वन वन ऑन टू है। बात समझ में आ रही है? ये केस थ्री है और ये केस फोर है। अब हमारे पास ये फोर केस है, फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। हमें चेक करना है इन फोर टाइप्स में से कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है या कौन कौन सा इन्वर्टिबल नहीं है, कौन सा इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। तो देखो इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, ये एफ है ए टू बी, अभी समझ में आ जाएगा। अभी हमें इन्वर्ट करना है, एफ इन्वर्स ऐसे लिखते हैं इसको, एफ इन्वर्स। इन्वर्स करने का मतलब इसको उल्टा करो, मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो अब कोडोमेन को डोमेन बना देंगे और डोमेन को कोडोमेन बना देंगे और देखेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो चलो बी को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो बी की एंट्री क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पर आप लिखो, और ए की एंट्री क्या है, वन टू थ्री, यहाँ पर आप लिखो। अब कैसा कैसा रिलेशन है, ए का रिलेशन वन से था तो आप यहाँ भी ए को वन से दिखाएंगे, बी का फिर टू से रिलेशन था तो बी का टू से दिखा लो, और सी का रिलेशन थ्री से था, सी का थ्री से दिखा लो, डी का रिलेशन किसी से नहीं था तो यहाँ भी किसी से नहीं दिखाएंगे। अब हमें देखना है क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो ये तो फंक्शन बना ही नहीं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज़ मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन कोडोमेन सेट। तो वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए, ना एक से कम और ना एक से ज़्यादा। तो डी के तो कोई रिलेशन बना ही नहीं, मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये वन वन इन टू फंक्शन है नॉट इन्वर्टिबल है। क्या ये नॉट इन्वर्टिबल, इसको इन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हमने इन्वर्ट किया तो फंक्शन बना ही नहीं, नॉट इन्वर्टिबल। चलो वन वन ऑन टू करें फटाफट, यही चीज़ हमें यहाँ पर करके देखना है। तो बी टू ए कर दिया, उल्टा कर दिया, ये एफ इनवर्स हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये एफ इनवर्स बना रहे हैं बी टू ए। ये क्या था, एफ था ए टू बी, ये हमारा एफ था ए टू बी। अब हमें एफ इनवर्स बनाना है बी टू ए, उल्टा ए बी सी वन टू थ्री, ए का रिलेशन वन से दिखाओ, वन से, बी का टू से है। अपने मर्जी से नहीं दिखा सकते ये रिलेशन, जो उसमें बी का रिलेशन ए से था वही चीज़ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, बट उल्टा करके, बी को इधर, बी को डोमेन और ए को कोडोमेन बनाते हुए, सी का थ्री से है। ये फंक्शन है, हाँ भैया तो फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के इसके एक रिलेशन, इसके एक रिलेशन, इसके एक रिलेशन है, तो फंक्शन तो है। मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है, वन वन ऑन टू इज इन्वर्टेबल, वन वन ऑन टू इज इन्वर्टेबल है। बात समझ में आ गई, वन वन ऑन टू इन्वर्टेबल है। चलो इसको पलट के देखें फटाफट, ये बी हो गया और ये ए हो गया, बी टू ए। हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एफ इनवर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एफ इनवर्स, एफ ए टू बी, एफ ए टू बी है। मैं बताया था ना एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो देखो करके एफ इनवर्स बनता है या नहीं, वी आर ट्राइंग टू राइट। अब ए हैज़ रिलेशन विथ वन, बी हैज़ रिलेशन विथ टू एंड थ्री, तो बी का रिलेशन टू एंड थ्री से है और सी का किसी से रिलेशन नहीं है। क्या है फंक्शन बना, देखो ए के वन रिलेशन है और बी के दो रिलेशन आ गए, मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए, तो फंक्शन बनेगा ही नहीं ना, फंक्शन बनेगा ही नहीं। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मेनी वन इंटू नॉट इन्वर्टेबल है। ये क्या है, नॉट इन्वर्टेबल। बात समझ में आ रही है, नॉट इन्वर्टेबल। चलो लास्ट केस चेक कर लेते फटाफट, यहाँ पर इसको इन्वर्ट करो, बी और ए, ये बनाना चाह रहा है एफ इनवर्स। तो ए बी और वन टू थ्री, ए का रिलेशन वन से है, बी का रिलेशन टू और थ्री से है। इज दिस अ फंक्शन, ऑब्वियसली नॉट, इसके वन रिलेशन है, बी के दो दो रिलेशन आ गए, तो डेफिनेशन कहता है मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन, ये तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट
एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि मैनी वन ऑन टू नॉट इन्वर्टेबल है, नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल। तो क्या हुआ, हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन है, वन वन इंटू वन वन ऑन टू, मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू। इन फोर टाइप्स में से हमने सभी को इन्वर्ट कर करके देखा कि किस में इन्वर्ट हो पा रहा है और किस में इन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इन आउट ऑफ दिस फोर फंक्शंस, इन थ्री केसेस इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। थ्री केस में इन एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, हम लोग फंक्शन को इन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन्वर्ट करने की कोशिश किया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाया। थ्री केसेस में आउट ऑफ फोर सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें फंक्शन इन्वर्टेबल है, वो है वन वन ऑन टू। और यही है हमारे काम की बात कि वन वन ऑन टू इज इन्वर्टेबल आउट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं उसमें सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन है जो इन्वर्टेबल हो सकता है, वो है वन वन ऑन टू। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो तुम तो ये चेक करो कि फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और इसके लिए कॉमन नेम यूज़ किया था, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या यूज़ किया था? बाइजेक्टिव। इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल, बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल, है ना। बाइजेक्टिव एक स्पेशल नेम है। और बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? बाइजेक्टिव इज द नेम फॉर वन वन ऑन टू। जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो वन वन ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टेबल होता है। बात समझ गए? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, ओनली लगा देते हैं, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल। जो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन है वही इन्वर्टेबल होता है, बाकी कोई इन्वर्टेबल नहीं होता है। आई होप तुम्हें इन्वर्टेबल फंक्शन समझ में आया होगा क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि चेक करो ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, या इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुम्हें तो बस ये चेक करना है कि फंक्शन वन वन ऑन टू है कि नहीं है। वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मान लो कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू नहीं है तो वो इन्वर्टेबल नहीं हुआ। कोई फंक्शन ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है, फिर भी वो इन्वर्टेबल नहीं हुआ। हमें दोनों होना चाहिए, बोथ वन वन भी और ऑन टू भी, तब वो इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें आज ये कोशिश किया इन्वर्स फंक्शन समझाने का। आई होप बिल्कुल तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत ईजी है समझना। बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। अब इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थैंक यू।